जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। दोस्तों CGL टीयर 2 2023 का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो दोस्तों मैंने एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट से बात करी, जिसमें अपने एक्स सर्विसमैन भाई थे बहुत सारे। तो बात करके जो मैं पेपर का एनालिसिस जिस उस पर पहुंचा हूँ, उनसे बात करके जो आइडिया मिला वो ये है कि जो इस बार का पेपर है, अगर मैं 2022 के CGL के पेपर से कंपेयर करूं, तो इसमें मैथ का सेक्शन थोड़ा जो बोला है लोगों ने वो कैलकुलेटिव था। मैथ्स का मतलब, जो लास्ट ईयर तो मैंने भी एग्जाम दिया था, बताऊंगा लास्ट ईयर तो काफ़ी आसान था। तो इस बार जो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनसे मैंने बात कर रही है, जिन्होंने 2022 का भी एग्जाम दिया था, तो उनका यही कहना है कि मैथ का एग्जाम लास्ट ईयर के कंपेयर में टफ था, कैलकुलेटिव था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं मैथ के अलावा, रीजनिंग आसान थी, वो लास्ट टाइम भी आसान थी। इंग्लिश और जीके की मैं बात करूं तो इंग्लिश भी काफ़ी आसान थी, और जीके जो लास्ट टाइम काफ़ी टफ थी, इस बार जीके का लेवल थोड़ा आसान देखने को मिल रहा है पिछली बार के कंपेयर में। तो ओवरऑल मैं बात करूं अगर, तो यही है कि मैथ का पेपर थोड़ा टफ था, तो लास्ट टाइम जीके का टफ था। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं बात करूं एवरेज जो अटेम्प्ट है मैथ में, लोगों के एवरेज अटेम्प्ट जो रहे हैं इस बार लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास रहा है। रीजनिंग में वहीं लोगों ने 25 के आसपास मैक्सिमम लोगों ने किया है, और कई लोगों ने तो पूरे पूरे भी करे हैं, लेकिन मैं एवरेज की बात करूं तो 25 के आसपास, कुछ 22 वाले भी हैं, 25 के आसपास एवरेज है। इंग्लिश में अगर बात करूँ मैं तो 42-43 ऐसे लोग बना रहे हैं। अब जीके में जो है लोग 13-14 क्वेश्चन आराम से कर रहे हैं। तो इन सबको अगर समराइज करूं मैं, अब देखो, अब कोई मुझसे बोल रहे थे कि आप कट ऑफ के बारे में बताइए, तो अभी तो ये लोग अपने अटेम्प्ट बता रहे हैं। ये लास्ट टाइम भी हुआ था, लास्ट टाइम भी लोगों ने बता दिया बहुत आसान है आसान है। जब ऑफिशियल आंसर की आई, उसके बाद जब उन्होंने पेपर मिलाया, तो निगेटिव मार्किंग की वजह बहुत लोगों के काफ़ी क्वेश्चन गलत हुए। मैथ भी जो आसान था उसमें भी काफ़ी गलत हो गए थे। ठीक है, इंग्लिश भी लास्ट टाइम इस बार की तरह ही, लास्ट टाइम भी बोल रहे थे कि बहुत आसान है, और जब आंसर की से जब मिलाया तो काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए थे, लोगों का एवरेज स्कोर कम हो गया था ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। तो जो लोग अभी, मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इस बार भी हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ लास्ट टाइम ऑफिशियल आंसर की आने के बाद, जो लोग अभी अपना स्कोर टू एक्स सर्विसमैन भाइयों की अगर मैं बात करूँ, जो अपना 270+ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उनका 250-240 तक भी लास्ट टाइम हो गया था कम होकर। तो एग्जैक्ट जो कट ऑफ का अंदाजा है वो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही चल पाएगा, लेकिन अभी के जो अटेम्प्ट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ सेफ स्कोर, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है सेफ स्कोर 250 के अराउंड अभी सेफ स्कोर है। इसकी दो वजह है कट ऑफ ज़्यादा जाने की, एक तो वैकेंसी बहुत कम है, और दूसरा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो रिपीटर हैं जिन्होंने 2022 का भी एग्जाम दिया है। तो इन दो वजह से पेपर का जो कट ऑफ है थोड़ा ज़्यादा रहने की उम्मीद है, और एक्चुअल जो है वो पता चलेगा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही। तो ऑफिशियल आंसर की आने का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद ही मैं आपको जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसके बारे में बताऊंगा। अभी ये जो मैंने बताया है ये एवरेज स्कोर के बारे में, कि इतना लोगों का अटेम्प्ट रहा है कई सारे लोगों से बात करने के बाद, जो मुझे लगता है आप भी अपना जो अटेम्प्ट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं, और ऑफिशियल की आंसर के आने के बाद अपना स्कोर भी जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।